सो व्हाट्स अप गाइस। सो हमने मैंने इसको नॉर्मली फिनिश कर लिया है। मैंने उस लेवल का नहीं किया है क्योंकि टाइम लगेगा उस लेवल का फिनिश करने में, तो और वीडियो आ नहीं पाएगी। तो मैंने सोचा है कि पहले ना मैं इसको नॉर्मली ऐसी मार देता हूँ इसको पर अस्तर, और हम काउल बना लेते हैं। ठीक है, काउल बना लेंगे ना तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमारा काउल भी बनता रहेगा और हमारे ये भी और फिनिश होती रहेंगी। ठीक है, तो पहले मैं सोच रहा हूँ इस पर अस्तर मार लेता हूँ, है ना। फिर उसके बाद, क्योंकि ये अभी डिफरेंट कलर में दिख रहा है ना सब कुछ, ऐसे ऐसे ही अभी नॉर्मली घिसा है मैंने इसको। ठीक है, ऐसे वैसा कुछ नहीं घिसा है, तो जस्ट अभी ऐसे ही है। ओके, तो इसको मैं अभी तो इसको ऐसे ही मार देता हूँ अस्तर, जिससे कि हम काउल बनाएंगे तो इस पर एक कलर रहे, डिफरेंट डिफरेंट कलर ना दिखे। काउल भी हमें खूबसूरत दिखना चाहिए इसके ऊपर बनता हुआ। ऐसी नॉर्मल ये रहेगा गंदा तो फिर काउल भी हमें अजीब लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसी एक सिंगल कोट मार देता हूँ अस्तर का, और उसके बाद इस पर काउल बनाएंगे। मार तो दिया है इस पर, देख लिए, मारने के बाद भी देखिए डैमेजिंग दिख जाती है। इसको मारने के बाद ही डैमेजिंग दिखती है, कितना डैमेज है और कितनी इसमें रिपेयरिंग है, कितनी हमें फिलिंग करनी है ना। आती है, मास्टरपीस बन रहा है तो मास्टरपीस में तो आएगी। इसको फिनिश करके जो हम बाद में मोल्डिंग करेंगे ना उसमें नहीं आती, जो आपके पास पीसेज आएंगे ना उसमें इतनी नहीं आती है। उसमें बस घिसाई के बाद थोड़ी बहुत फिलिंग करनी होती है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इस पर चलो काउल स्टार्ट करते हैं। काउल मेकिंग इसका ये भी लगा लेंगे काउल बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम सोच रहे हैं उसको भी कुछ अच्छा सा डिज़ाइन दिया जाए। और अपना ये भी बहुत गंदा हो गया है, चलिए इस पर भी यही कलर मार देते हैं। ठीक है, इस पर भी मार देते हैं, ये भी थोड़ा गंदा हो रहा है कि इसी के ऊपर काम करेंगे हम। ठीक है, सो गाइज ये आ गए हम। ठीक है, देखिए इस पर भी हमने कलर कर लिया और सेम कलर हो गया दोनों को। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, अच्छे से फिक्स करके, ये जिस जगह पे बैठेगा उस जगह पे फिक्स करके लगा लेना है। ये रहे मेरे पास स्क्रू, और इसमें ऑलरेडी ओरिजिनल वाला है, इसमें ऑलरेडी छेद हैं तो मैं इनको लगा देता हूँ। ये ड्रिल मैं इससे लगा देता हूँ। ठीक है, और इसको लगा के फिर यहाँ पे मैं कुछ कवरिंग करूँगा, तो फिर यहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, सो ये लगा दिया है मैंने। ठीक है, देखिए कितना फिक्स लगा है, एकदम मस्त, एकदम ये देखिए एकदम लाइन में है, ना बाहर ना अंदर, दोनों साइड से एकदम चिपका हुआ है। ठीक है, और ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग, मैं इसे पकड़ के पूरी किट को उठा रहा हूँ, पूरी टेल को उठा रहा हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग लग गया। ठीक है, देखिए इसे पकड़ के उठा रहा हूँ मैं, अब समझ सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो अब मुझे यहाँ पे करना है फिलिंग। ठीक है, यहाँ के लिए कुछ देखता हूँ मैं कैसे फिलिंग करना है, देन काम स्टार्ट करते हैं जल्दी से काउल का। ठीक है, देरी नहीं करते हैं। सुबह इस रात का टाइम हो रहा है और हमने इसको लगा दिया था, और मैंने यहाँ ढकने के लिए ये एक्रेलिक शीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, इसको इस साइड से मैं लगा रहा हूँ, मैंने इसको ऐसे ढक लूँगा। ठीक है, इसको ऐसे ढक के इसके ऊपर अप्लाई करूँगा जिससे कि नीचे ना गिरे। ठीक है, हम डिज़ाइन कर पाएँ आसानी से, और धीरे धीरे हम यहाँ से भी कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इस टाइप का कुछ यहाँ तक लाएंगे, ये ऐसे करके, है ना। और पीछे कहाँ तक निकालना है वो आप जल्दी से जल्दी मेरे को बता देना। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एक वीडियो में कवर नहीं होगा, तो हमें कमेंट्स करने का भी मौका मिलेगा, तो कमेंट्स करते रहना। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में अभी आप देखिए, अभी मैं इसको कवर करता हूँ। ठीक है, आप देख रहे हो अभी मैंने इसको पूरा फिल कर दिया है, ये पूरा आपको दिख ही रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट फिल हो गया ऊपर का। अभी भी काफ़ी कुछ करना है इसमें। ठीक है, अभी तो काफ़ी कुछ करना है। सो मैंने यहाँ का दिखा दीजिए, यहाँ पे कवर कर लिया अभी, और मैं स्क्रीन पे ना कुछ डिज़ाइन भी डालूंगा, मैं आपकी स्क्रीन पे ना कुछ डिज़ाइन भी डालूंगा। ठीक है, आप ये डिज़ाइन देख लीजिए, क्या ऐसा कुछ अच्छा लगेगा, या इनका मिक्सअप भी बता दीजिए, ऐसा देखिए कैसा रहेगा। मतलब पीछे का टेल अगर पीछे को निकाल दें, दुपाटी का पीछे की साइड से निकाल दें, इसको लगाएंगे तो दुपाटी लुक लाइक दुपाटी, ओके, और इसको हटा देंगे तो वही अपना BMW। तो अभी आप देख लीजिए ये कि कैसे ये लग रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स कीजिए कि आप कुछ ऐसा रहना चाहिए, है ना, या फिर मैंने अभी जो दिखाया है वैसा कुछ रहना चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर भी, ठीक है, मैं अभी और दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, अभी कुछ ऐसा है कि इसको अभी मैंने यहीं पे छोड़ा हुआ है जहाँ पे टेल ख़त्म है। ठीक है, अभी हम इस तरीके से लाएंगे और पीछे की साइड निकालेंगे इस तरीके से, और बाहर की साइड निकाल देंगे इसको। ठीक है, मतलब अब दो टेल का मज़ा एक ही टेल में ले लेंगे, इसे लगाने से अभी बाहर हो जाएगा,
है ना, तो और इंटरेस्टिंग देखेगा। ये मैं आगे की साइड ला रहा हूँ इसको और, ठीक है, इसको आगे की साइड ला रहा हूँ और बेटर लगेगा लुक। अभी बीच में मैंने ऐसे दिया है कुछ नहीं, यहाँ से हम लाइन लेके मैं ये भी कर सकता हूँ कि वही जो हम हमेशा करते हैं, इस साइड का अलग, इस साइड का अलग, फिर आप चूज़ करना, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख लीजिए जो मैंने आपको सब कुछ दिखाया है, इतने में इसको फिनिश करता हूँ, ओके, और इसमें जो ऐड करना है वो ऐड करता हूँ, फिर आपको और दिखाता हूँ। सो ये देख लीजिए, अभी मैंने कुछ ऐसा कर दिया है, ठीक है, मतलब अभी कुछ नहीं, अभी जस्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो बीच बीच में दिखा रहा हूँ। सो इस साइड से ऐसे देखिए, ये देखिए, देखिए इस साइड अभी मैंने कुछ नहीं किया, इस साइड कर रहा हूँ, तो इस साइड में थोड़ा वही डिफरेंट जो हम हमेशा करते हैं, डिफरेंट ही करूँगा, क्योंकि आप फिर कमेंट्स भी कर पाएंगे कि दिस इज़ बेटर और दिस बेटर, ओके। और यहाँ से भी मैं ये देखिए इतना बाहर आ गया है, अभी कोई फिनिशिंग नहीं है, कुछ नहीं है, अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इतना है, और ये काउल कुछ ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। और आप देखते रहिए, मुझे बताते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। ये आगे से इस तरीके से शेप लिया है मैंने, ये आगे का शेप है, ठीक है, और आगे से कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हम देखेंगे हमें कैसा लेना है, क्या लेना है, कमेंट्स करते रहिए आप, ठीक है। अभी थोड़ा सा और करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, फिर आप चूज़ करना, ठीक है, उन इमेजेस में से चूज़ कर लेना जो मैंने दिखाई। ये देख लीजिए मैंने आगे से इतना ऊंचा उठा दिया है, एक्चुअली मैं वही डिज़ाइन, आप जो स्क्रीन पे मैंने डिज़ाइन दिए ना, मैं 1 2 3 करके इस पर नंबर डाल रहा हूँ, और आप वो देख लेना कि 1 2 3 करके आप मुझे बताना कि ये वाला डिज़ाइन ठीक है या ये वाला ठीक है, ठीक है, उस हिसाब से कि 1 2 3 किस नंबर का ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही था, जल्दी से जल्दी सारे डिज़ाइन देख के मुझे मैसेज कर, मुझे कमेंट्स कर दीजिए, ठीक है, वेट मत कीजिए किसी चीज़ का भी, कमेंट ज़रूर करना है, कमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मैं उन्हीं को पढ़ के इस पर काम करूँगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है, बाय बाय।